हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन बॉली मीडिया में, जहां आपको मिलती है अपकमिंग मूवी, सॉन्ग, टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्या बालन की अपकमिंग मूवी शेरनी के बारे में। वीडियो पूरी देखिएगा और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्या बालन बॉलीवुड की उन अदाकारों में से एक है जो कोरोना वायरस महामारी के बीच काम पर वापस लौट चुकी हैं। बता दें कि एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म शेरनी की शूटिंग के लिए कमर कस ली है। फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश में होनी है। शूटिंग शुरू करने से पहले विद्या बालन की सेट से पूजा करते हुए कई फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो रही है। शेरनी के सेट से विद्या बालन की वायरल हुई फोटोज में एक्ट्रेस अपने निर्माताओं के साथ पूजा करते हुए दिखाई दे रही है। इसी बीच सभी ने PPI सूट कैरी किया हुआ है। विद्या बालन डेनिम आउटफिट के साथ मास्क लगाए हुए नजर आ रही है। इन फोटोज को देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि शूटिंग सेट पर कोरोना वायरस के इस कहर के बीच सरकार की गाइडलाइंस का पालन किया गया है। बता दें कि विद्या बालन ने एक फिल्टर का इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा वीडियो साझा किया है और लिखा है, चलो मेरी शेरनी शूटिंग खेलते हैं। बता दें कि अमित मासूकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म शेरनी मानव पशु संघर्ष के चारों ओर घूमती दिखाई देगी। इस फिल्म में विद्या बालन एक फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार निभाती नजर आएंगी। मार्च में जब फिल्म फ्लो पर गई थी, तब विद्या बालन ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की थी और कैप्शन में लिखा था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन शेरनी की शूटिंग शुरू हो गई है। जंगल के बीच प्राचीन मंदिर में मुहूर्त पूजा की है। विद्या बालन आखिरी बार फिल्म शकुंतला देवी में नजर आई थी। इस फिल्म में विद्या ने ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी का किरदार निभाया था। विद्या बालन की ये फिल्म 21 जुलाई को डिजिटल प्लेटफॉर्म वीडियो पर रिलीज की गई थी। विद्या की फिल्म में धांसू एक्टिंग को देखने के बाद फैंस और फिल्म के क्रिटिक्स ने उनकी खूब सराहना भी की थी। वेल दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड विद्या बालन की अपकमिंग मूवी शेरनी के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूले और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों।